हेलो, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ के ब्यूटी फाउंडेशन का। ये जो ब्रांड है, ये इंडियन ब्रांड है। कैटरीना कैफ, इंडियन एक्ट्रेस, सभी जानते हैं उनको। उनकी ब्रांड का ये फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन, अगर आप 1000 की रेंज में कोई अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, तो मैं इससे पहले फिलिका फाउंडेशन का भी रिव्यू आपको दे चुकी हूँ। अभी मैं लेकर आई हूँ के फाउंडेशन का रिव्यू आपके लिए, जेन्युइन वीडियो। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसलिए आपको मैं जो रिव्यू दूंगी वो जेन्युइन दूंगी। तो ये जो फाउंडेशन है, ये स्पेशली बहुत ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन मैंने है। अपने लिए मंगाया था और इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं। ग्लास बॉटल में आता है, ये है 30 ग्राम, 30 ग्राम की बॉटल है। और इसमें MRP 1200 है, 1200 रुपये है। और आप नायका में या सेल में लेंगे तो 960 या 1080 ऐसा आपको मिल जाएगा। मुझे 1080 में ये मैंने खरीदा था, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ किए हुए, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। इसमें काफ़ी शेड अवेलेबल हैं, और ये नेचुरल कलर जो मैंने मंगाया है, शेड नंबर 11, तो इसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये देखिए, लिक्विड फाउंडेशन है, बहुत वाटरी है। देखो, ड्राई स्किन के लिए ये फाउंडेशन, ये देखिए, कवरेज बहुत अच्छा दे रहा है। बिल्कुल हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, वाटरी है। ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये, और लॉन्ग लास्टिंग है। मैं हमेशा जब भी कहीं बाहर जाना हो तो मैं स्पेशली यही वाला फाउंडेशन को मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मेरी स्किन के साथ तो बहुत अच्छे से ये शेड मर्ज हो गया है। तो आप अपने स्किन कलर के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड चुन सकते हो। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये। जो कटरीना कैफ का जो ब्रांड है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। इसका मेरे पास काफ़ी, चलिए करते हैं इसका रिव्यू। ये देखिए, इस तरह की इसकी पैकिंग है, ग्लास बॉटल में आता है। और बहुत अच्छा, मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छी है, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। इसमें नोज़ल दिया गया है, जिसे पंप करने पे हमारा फाउंडेशन बाहर आ जाता है। इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं जो मैंने मेंशन किया है। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना परफेक्ट शेड चुन सकते हो। और ये बहुत ही वाटरी, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, खासकर ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ग्लोइंग शाइन करता है ये फाउंडेशन, और काफ़ी पिगमेंटेड भी है। और सॉरी, मेरा थोड़ा, मुझे जुकाम हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ काफ़ी रफ़ आ रही है। तो फाउंडेशन को अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ अपने फेस पर। मैंने हैंड पे तो आपको दिखा दिया है, अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको फेस पर दिखाती हूँ कि ये कैसा मेरी स्किन पर सूट करता है या नहीं करता है। तो मैंने इसका कुछ ड्रॉप ले लिया, और मैं इसकी डबल कवरेज आपको बताऊँगी। एक बार मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेकर यूज़ करके दिखाऊँगी, और सेकेंड टाइम मैं इसकी सेकेंड लेयर भी आपको दिखाऊँगी कि अगर हाई कवरेज चाहिए तो वो कैसा लगता है। तो अभी मैंने पूरे फेस पे इसको डॉट डॉट कर कर अप्लाई कर लिया है। और आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, या ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। मैं तो ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ हमेशा। तो ये देखिए, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप देख सकते हो स्किन एकदम पंप हो गई है, और काफ़ी ग्लोइंग नेचुरल लुक लग रहा है। तो मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी पसंद आया है। मैं अच्छी तरह से पूरे फेस पर इसका एक लेयर आपका एक कोट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। अगर आप सिंगल कोट अप्लाई करते हो अपने फेस पर, और डबल कोट अप्लाई करते हो, तो क्या डिफरेंस नज़र आता है। और अभी मैंने सिर्फ़ एक लेयर ही यूज़ कर रही हूँ मैं इस के ब्यूटी फाउंडेशन की। काफ़ी नाम सुना था, और इसका जो प्राइस है 1200 है, और अगर आप इसको सेल में लेंगे तो वो आपको 1000 की रेंज में भी ये फाउंडेशन मिल जाएगा। तो ये जो फाउंडेशन है के ब्यूटी का, ये क्लेम करता है कि काफ़ी हाइड्रेटिंग है, जो कि सच है। ये देखिए, मैं बिल्कुल जेन्युइन वीडियो बना रही हूँ, कोई मेरे पास रिम लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा मिरर में देखकर ही बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना, मतलब स्किन हाइड्रेट लग रही है। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, खासकर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए। तो अपने फाउंडेशन को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद मेरा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, मैंने लाइट और जला दी है ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख सके। तो मुझे तो बहुत पसंद आया के ब्यूटी फाउंडेशन। आपको
आपको भी अगर पसंद आया तो जरूर एक बार ट्राई कर देखिए। ये देखिए मैं इसका एक और कोट लगाकर आपको दिखाती हूँ, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए है तो। और इसको मैं वापस ब्लेंड करती हूँ अच्छे से। फाउंडेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका शेड आपको पता होना चाहिए। कई बार हमारे मुझसे भी गलती होती है कि एक शेड हम लाइट ले लेते हैं, कभी डार्क ले लेते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि मैंने शायद 0.5 समथिंग मैंने लाइट ले लिया है, बट उसको एक घंटे बाद जब मैंने देखा तो ये काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन के साथ मर्ज हो गया है और काफ़ी स्मूथ ग्लोइंग शाइनी स्किन दिख रही थी। तो हाई कवरेज फाउंडेशन है ये, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, तो इसको तो मैं मस्ट रिकमेंड करूँगी, इसको ज़रूर यूज़ करिए। अगर आप 1000 की रेंज में अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो के ब्यूटी का फाउंडेशन जरूर।